आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी दिलशाद अंसारी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग खड़े हैं सिद्दीपुर मज़ार पे। जी हाँ, हम आपको बता दें, सैयद शाह बाबा के मज़ार पे हम हैं, सैयद अली शाह बाबा के मज़ार पे, जो कि खिदीपुर मज़ार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आने वाले ज़ायरीनों को हम ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि जिस मज़ार पे वो आते हैं और उनको इंतज़ार रहता है साल भर में सैयद अली शाह बाबा के मज़ार पे उर्स कब होगा, तो हम उन्हें बता दें इस साल का उर्स जो है वो दिसंबर को 11 और 12 दो दिनों में होगा, 11 तारीख को और 12 तारीख को। और 13 तारीख की सुबह, यानि 13 तारीख बुध का दिन पड़ रहा है, उस दिन सुबह सुबह चादरपोशी होगी। तो आज हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं हज़रत सैयद शाह बाबा अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, इस वक्त आप जो है देख पा रहे हैं, ये वो दरगाह शरीफ है जहाँ पर लोग दूर दराज से और बिलखसूस ख़ास करके शहर कोलकाता से काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे उर्स मुबारक में पहुँचते हैं। ज़्यादातर लोग हावड़ा से, मटिया बुरुज से, खिदिरपुर से, टिकियापाड़ा से, दूर दराज से, इसके अलावा भी दूर दराज से लोग हुगली से भी इन यहाँ पे उर्स मुबारक में पहुँचते हैं। तो इस साल का जो उर्स मुबारक है वो होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, और उसका जो तारीख है वो है 11 तारीख और 12 तारीख, दो दिनों का उर्स का जो है वो प्रोग्राम होगा। इसकी डिटेल्स हम आने वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे कुछ दिनों बाद कि क्या क्या प्रोग्राम किस किस दिन रखा जाएगा। फ़िलहाल हम आपको ये बता पा रहे हैं कि अगले महीने में यानी दिसंबर 2023 में सैयद अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो है उनका सालाना उर्स जो हर साल होता है, इस साल भी मनाया जाएगा। तो जैसा कि हम देखा पा रहे हैं आपको, यहाँ पे दूर दराज के लोगों से लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमेशा ही ख़ास कर तौर पे यहाँ पे जुमेरात को दिन जो है एक तांता सा लगता है, लोगों की भीड़ लगती है, लोग जो ज़ायरीन जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, और हमारा दिखाने का यही मकसद है कि इस साल का जो उर्स है हजरत सैयद अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का जो उर्स है वो दिसंबर के महीने में 11 और 12 तारीख को जो है होने जा रहा है। तो इसीलिए हमने समझा कि यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से, कि ज़ायरीन जिसका इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पे उर्स कब लगेगा, तो हम आपको बता दें इस साल का उर्स जो है 11 और 12 तारीख को लगने वाला है। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम आपको बाबा के आस्थाने पर ले आए और उनकी खुद ज़ियारत करा दे। तो इस वक्त हम लोग खिदिरपुर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से, और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, अभी भी जो है लोगों का भीड़ जो है, लोग यहाँ पे ज़ायरीन जो है शहर कोलकाता के विभिन्न जगहों से यहाँ पे आते हैं, और जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर यहाँ पर लोगों का तांता लगता है और लोग जो है जुमेरात के दिन यहाँ पर ख़ास तौर पर आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है लोगों की भीड़ होती है, और उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजाम भी किए जाते हैं, और उर्स में ख़ास तौर पर जो है यहाँ पे सजाया जाता है। जैसा कि हम आपको दिखा दें, अभी से ही तैयारी शुरू है, जैसा कि हम अपनी इस वीडियो में देख पा रहे हैं, तैयारी के बनिस्बत यहाँ पे जो है गेट पे अभी गेट की मरम्मत यानी रंगाई, उताई लिपाई जिसे कहते हैं, उसका काम जो है वो ज़ोरों शोर से चालू है। इसके बाद जो है जो भी बकिया काम है, उसके बाद उर्स से कबल यहाँ पर सजावट का काम चलता है, उसके बाद सजाने के बाद यहाँ पर लोगों के लिए बैठने के लिए इंतजाम किए जाते हैं, और बगल में ही फूले अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो है वहाँ दरबार है, लोग वहाँ भी जाते हैं। इनके अलावा जो दूर दराज से जो है लोग आते हैं, उनके लिए खाने का भी यानी लंगर का भी कुछ इंतज़ाम रहता है, लोग रुकते हैं उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम रहता है। और यहाँ पे ये पूरा जो इलाका जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा तरह से इसको अच्छे से घेर दिया जाता है, बैरिकेड कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उस वक्त काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता। Yeah.
8 2 8 4 3 0 8 4 2 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0 8 4 2 0